Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, presenting you daily current analysis covering 16th April 2022. हम इस वीडियो लेक्चर में आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है. नाउ एज वी ऑल नो, श्रीलंकन इकोनॉमी हैज़ बीन फेसिंग अ क्राइसिस एंड वहाँ पे एक सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही है. इसके चलते श्रीलंका के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं. एंड इन्हीं के साथ साथ इट इज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर श्रीलंका कि वहाँ पे जो असेंशियल यू नो उनके जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो उनको इम्पोर्ट करने होते हैं, लाइक फ्यूल. इसकी इवन यू नो इम्पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है. सो इवन दी इम्पोर्ट ऑफ यू नो सच एन असेंशियल कंजम्पशन यू नो कंजम्पशन गुड्स इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर श्रीलंका. नाउ ये जो करंटली श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, this is basically the product of historical imbalances in the economic structure of Sri Lanka. And साथ ही में IMF ने जो कुछ you know loan से related जो conditionalities दी हैं उसका भी ये एक result है. And it is also the misguided policies of some authoritarian rulers of Sri Lanka. Now Sri Lanka अगर अपनी economy recovery चाहता है, so now it is depending upon the reforms which will be undertaken with the support of International Monetary Fund IMF. And यहाँ पे Sri Lanka की तरफ से statement आती है that although they are gonna take some reforms which are you know the conditions given by the IMF, but they will not ignore the country's poor. Sri Lanka की economy किस तरह से इस level of crisis पे आ चुकी है इसे हम आज के इस आर्टिकल में समझेंगे. लेकिन एक और न्यूज़ आर्टिकल में एक चीज़ हाईलाइट की गई दैट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, श्रीलंका में जो ये पैंडमिक ईयर्स चल रहे हैं, श्रीलंका सॉ दैट एटलीस्ट 5 लाख मोर पीपल ऑफ श्रीलंका दे फॉल बिलो द पावर्टी लाइन. तो एक काफ़ी ज़्यादा सिवियर जॉब और इनकम लॉसेज श्रीलंका में देखने के लिए आया है. एंड इसी के साथ साथ यू नो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है. सो रिफॉर्म्स आर गोइंग टू बी क्रूशियल अगर श्रीलंका को अपनी यू नो इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर करना है. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो रिफॉर्म्स दिए हैं यू नो वो ज़रूरी हैं, बट अगैन श्रीलंका सेड दैट दे विल नॉट इग्नोर द कंट्रीज़ पुअर. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये कौन से रिफॉर्म्स हैं और किस तरह ये श्रीलंका की जो इकोनॉमी है इसे रिकवर कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र क्यों कर रहा है, वाई इज श्रीलंका सफरिंग फ्रॉम सच अ क्राइसिस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बैकग्राउंड को समझते हैं. नाउ वी नो दैट 2009 में श्रीलंका इमर्ज फ्रॉम दिस यू नो 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर. एंड इवन आफ्टर दिस वॉर यू नो जो श्रीलंका की पोस्ट वॉर GDP ग्रोथ थी वो रीजनेबली हाई थी. 2009 से लेकर 2012 तक जो एनुअल यू नो GDP या फिर एनुअल ग्रोथ जो श्रीलंका की रही है वो 8-9% पर एनम रही है. ये पोस्ट वॉर GDP ग्रोथ की कंडीशन है. हाउएवर 2013 आते ही श्रीलंका की जो एवरेज GDP ग्रोथ थी ये ऑलमोस्ट हाफ रह जाती है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से 2013 में श्रीलंका की GDP ग्रोथ ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है. श्रीलंका के जो बजट डेफिसिट्स थे जब ये वॉर चल रही थी काफ़ी ज़्यादा हाई थे. एंड 2009 में आप टाइमलाइन को समझें, 2009 में ये 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर एंड होती है. एंड 2008 में आता है द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. नाउ इन दोनों चीज़ों की वजह से, एक तो इतनी लंबी वॉर चल रही है और साथ ही में 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया है, सो इट काइंड ऑफ ड्रेन्ड यू नो श्रीलंकास फॉरेक्स रिजर्व्स. इस टाइम पे श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो ड्रेन हुए. एंड बिकॉज ऑफ दिस श्रीलंका बोरोड
2.6 बिलियन डॉलर्स लोन फ्रॉम आईएमएफ इन 2009। आप टाइमलाइन को समझें, 2009 में आईएमएफ से 2.6 बिलियन डॉलर्स का लोन ऑलरेडी ले चुका था श्रीलंका। आफ्टर दिस इन 2016 श्रीलंका अगेन अप्रोच्ड आईएमएफ एंड दोबारा श्रीलंका ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन आईएमएफ से लिया। लेकिन यहाँ पे जो आईएमएफ ने जो कंडीशंस लगाई वो उसने फर्दर जो श्रीलंका की इकोनॉमिक हेल्थ थी उसे और भी ज़्यादा डिटेरेट कर दिया। ये एक बैकग्राउंड है कब से श्रीलंका एक क्राइसिस को सफ़र कर रहा है और किस तरह से ये क्राइसिस इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ना इस बैकग्राउंड के बाद अगर हम रीसेंट इकोनॉमिक शॉक्स देखें तो लेट्स गो बैक टू अप्रैल 2019 में श्रीलंका में कोलंबो की चर्च में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट देखने के लिए मिले। श्रीलंका में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट अप्रैल 2019 में हुए एंड यू नो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। ना इससे हुआ क्या, इसकी वजह से श्रीलंका के अंदर जो टूरिस्ट का जो नंबर था वो एकदम शार्पली डिक्लाइन हो गया। एंड हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था दैट श्रीलंका के अंदर टूरिज्म सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 10% कॉन्ट्रीब्यूशन श्रीलंका के GDP में अकेला टूरिज्म से आता है। ना इस इंसिडेंट की वजह से ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट जो कि 2019 में हुए, तब से ही इसकी वजह से श्रीलंका के जो टूरिज़्म था वो शार्पली डिक्लाइन हुआ एंड जिसके चलते श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये भी डिक्रीज हुआ। साथ ही में इसके साथ क्लब होता है, 2019 में श्रीलंका में एक न्यू गवर्नमेंट आती है विच वॉज लेड बाय गोटाबाया राजापाक्सा एंड दे प्रोमिस्ड लोअर टैक्स रेट एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंजिंग यू नो SOPs फार्मर्स के लिए इंड्यूस की। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी इल एडवाइज्ड कुछ प्रोमिसेस थे और उनको बहुत ही क्विकली इम्प्लीमेंटेशन की गई जिसने इस पूरी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा एग्जैसबरेट कर दिया। एंड यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर आता है दैट इज़ COVID-19 पैंडमिक इन 2020। COVID-19 पैंडमिक ने इस पूरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्सन अप कर दिया। श्रीलंका से जो टी, रबर, स्पाइसेस, गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट होता था ये डिक्रीज हो गया, इट सफर्ड बिकॉज ऑफ कोविड। टूरिज्म अराइवल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, देयरफॉर इवन द रेवेन्यूज फेल फर्दर। एंड नाउ अब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे श्रीलंका का जो फिस्कल डेफिसिट था दैट एक्सीडेड बाय 10% और डेट टू GDP रेशियो जो श्रीलंका की थी दैट रोज फ्रॉम 94% इन 2019 टू 119 टू 2021। सो डेट टू GDP रेशियो भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई बाय 2021। लेकिन यहीं पे फैक्टर्स ख़त्म नहीं होते, ये तो हमें समझ में आया कि कोविड की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट का क्या रोल था। लेकिन इसके बाद 2021 में श्रीलंका में एक बड़ा फैसला हुआ दैट ऑल फर्टिलाइजर इम्पोर्ट्स वर बैंड एंड यू नो इट वाज डिक्लेयर्ड दैट श्रीलंका वुड बिकम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन ओवरनाइट। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ओवरनाइट, एकदम से फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को बैन कर दिया गया और डिक्लेयर किया गया कि भाई आज रात से श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन होगा। ये शिफ्ट जो है वो बहुत ही ओवरनाइट शिफ्ट था, ड्रास्टिक शिफ्ट था। पहले इससे पहले श्रीलंका के जो एग्रीकल्चर था इट वाज यू नो जो फर्टिलाइजर्स काफ़ी हैविली यहाँ पे फूड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते थे, लेकिन एकदम शिफ्ट टू द ऑर्गेनिक यू नो फर्टिलाइजर्स दिस इम्पैक्टेड द एंटायर फूड प्रोडक्शन। तो एक तो बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये आ गया कि ओवरनाइटली 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बना दिया गया श्रीलंका को। कॉन्सिक्वेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया दैट यू नो एक इकोनॉमिक एमरजेंसी आ चुकी है एंड नाउ वी नीड टू कंटेन द राइजिंग फूड प्राइसेस।
तो श्रीलंका में 2021 आते आते फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक एमरजेंसी लगाई गई टू कंटेन दीज राइजिंग फूड प्राइसेस। लगातार श्रीलंका की जो करेंसी थी वो डिप्रिशिएट कर रही है एंड जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन। सो देर इज़ लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, साथ ही में देर इज़ अ डिजास्ट्रस ओवरनाइट बैन व्हेन इट कम्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसकी वजह से श्रीलंका के अंदर जो फूड प्राइसेस थे ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सिचुएशन। श्रीलंका में करंटली इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें सो इट इज़ ओवर 15% एंड ये फोरकास्ट किया गया है दैट यू नो दिस कैन गो टू एन एवरेज ऑफ 17.5% एंड दिस विल पुश मिलियंस ऑफ पुअर श्रीलंकन्स टू अ ब्रिंक। एंड नाउ इस पूरी सिचुएशन को लेकर इवन इंडिया ने भी श्रीलंका को असिस्ट किया है यू नो टू ओवरकम फ्रॉम दिस क्राइसिस। जनवरी 2022 के बिगिनिंग से ही इंडिया काफ़ी क्रूशियल इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है श्रीलंका को विच इज़ फेसिंग दिस सिवियर डॉलर क्राइसिस एंड यू नो श्रीलंका माइट लीड टू अ सॉवरेन डिफॉल्ट एज वेल। देर इज़ अ वेरी यू नो सिवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। श्रीलंका इनहेरेंटली एक इम्पोर्ट रिलायंट कंट्री है और जिस तरह वहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं द सिचुएशन इज़ वेरी सिवियर। इंडिया ने काफ़ी रिलीफ एक्सटेंड किया है श्रीलंका को, टोटल ओवर 1.4 बिलियन $ यू नो 2021 की बिगिनिंग में गया। 400 $ का करेंसी स्वैप किया गया, 200 $ की लोन डेफरमेंट की गई एंड 500 $ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया फॉर फ्यूल इम्पोर्ट। एंड इवन मोर रिसेंटली इंडिया ने इवन श्रीलंका को 1 बिलियन $ का शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन भी दिया है ताकि जो ये अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका जो फेस कर रहा है ये यहाँ से बाहर निकल सके। नाउ हम इस आर्टिकल को इतनी डिटेल में कवर कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो सीइंग दैट यू नो इंडिया इज़ हेल्पिंग श्रीलंका, सो दिस एंटायर इशू बिकम्स इम्पॉर्टेंट। यू नो वाई हेल्पिंग श्रीलंका इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ क्रूशली अगर हम देखें, अगर हम इस पूरी चीज़ को एनालाइज करें, सो इफ देर इज़ एनी डिसइल्यूजनमेंट इन श्रीलंका विद चाइना, you know it eases India's efforts to keep you know Sri Lanka's archipelago out of China's string of pearl. China ka ye jo string of pearls game chal raha hai in Indo Pacific, yahan pe you know Sri Lanka mein China ka bhi interest hai. To kisi bhi tarah se koi disillusionment hoti hai Sri Lanka ke andar in terms of you know China, to isse jo India ke efforts hain ki at least Sri Lanka string of pearl se bahar rahe, तो ये इंडिया के एफर्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू कंटेन चाइनीज प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन श्रीलंका एंड यू नो इंडिया इवन एक्सटेंडिंग लो कॉस्ट हेल्प ताकि जो श्रीलंकन्स हैं उनके जो हार्डशिप्स हैं वो एलिवेट हो सके। इट शुड हाउएवर यू नो मस्ट बी डन विद ड्यू केयर कीपिंग इन माइंड दैट ऑप्टिक्स ऑफ इट्स एड्स मैटर टू। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? नाउ अगर हम श्रीलंका की बात करें, सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम मेजर्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी नाउ एंड जिस तरह से वहाँ पे एसेंशियल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो शॉर्टेज है उसे एंड करना होगा, यू नो विच इज़ एक्सपेक्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सिन्हाला तमिल न्यू ईयर। मिड अप्रैल में सिन्हाला तमिल न्यू ईयर आता है। साथ ही में गवर्नमेंट को जो तमिल पोलिटिकल लीडरशिप है इनके साथ भी यू नो मिलना चाहिए। दे शुड क्रिएट अ एंटायर रोड मैप फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पेशली अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो नदरन और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, नदरन इज़ वॉर अफेक्टेड एरिया, ईस्टर्न प्रोविंसेस वो सभी एरियाज जहाँ पे बहुत ही बैडली जो कि हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप बनाना होगा। इट इज़ बेस्ट टू रेज डोमेस्टिक टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करना होगा ताकि श्रीलंका की जो बोरोइंग्स हैं वो लिमिट हो, पर्टिकुलरली श्रीलंका की जो सॉवरेन बोरोइंग्स हो रही हैं फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज ये डिक्रीज हो। कुछ टफ मेजर्स लेने होंगे ताकि एक रीस्ट्रक्चरिंग हो सके इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की,
दिस एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशंस एंड सब्सिडीज, इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. इंडियन असिस्टेंस अगर हम देखें, सो इट इज़ वेरी अनवाइज फॉर इंडिया यू नो टू लेट चाइना टेक ओवर द एक्सपेंडिंग ऑफ श्रीलंका टेरिटरी. देयरफॉर इंडिया मस्ट ऑफर यू नो श्रीलंका द फाइनेंशियल हेल्प. जो पॉलिसी एडवाइस चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए फ्रॉम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडिया शुड बी ओपन टू दैट. इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनको अपनी सप्लाई चेन्स बिल्ड करनी चाहिए ताकि इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमी के बीच में एक यू नो कनेक्शन बन सके इन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रेंजिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ टी इवन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज. सो इंडिया रादर देन एनी नेशन शुड हेल्प टू स्टीयर श्रीलंका ताकि जो श्रीलंका का पोटेंशियल है वो दोबारा रियलाइज हो सके. एंड वी नो इट्स गुड टू हैव अ स्टेबल एंड अ फ्रेंडली नेबरहुड. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया वियतनाम रिलेशंस से रिलेटेड है. सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक विद द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम. एंड दोनों ही पार्टीज़ ने जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं इसे लेकर अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए. इसमें चाहे हम यूक्रेन क्राइसिस की बात करें या फिर साउथ चाइना सी की सिचुएशन की बात करें, इस तरह के इश्यूज़ को लेकर बोथ द पार्टीज एक्सचेंज देयर व्यूज़. एंड एक सैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की गई अबाउट द रैपिड पेस ऑफ वाइड रेंजिंग कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ये जो इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड वियतनाम इन 2016. तो जब 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वियतनाम विजिट किया तो तब इंडिया और वियतनाम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की गई. एंड इसके अंदर दिस अ वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन. एंड इसी के साथ साथ वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द 50th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वियतनाम की इम्पोर्टेंस को भी दोबारा यू नो मेंशन किया. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विजन है इसमें वियतनाम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एंड बोथ द पार्टी सॉट कि जो बायलेटरल रिलेशनशिप हैं इंडिया और वियतनाम के बीच में उन्हें इन्हांस किया जाए. ऑलरेडी देर इज़ यू नो वी आर वर्किंग ऑन सम एक्सपीडिशियस प्रोग्रेस. कुछ एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं, इसके अलावा भी इस कोऑपरेशन को और एक्सटेंड किया जाए. इसी के साथ साथ यू नो वियतनाम के रिप्रेजेंटेटिव ने रिक्वेस्ट किया दैट देर शुड बी द ग्रेटर फैसिलिटेशन और फॉर द मार्केट एक्सेस फॉर इंडियाज यू नो फार्मा. इंडिया के जो फार्मा हैं और जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसकी ज़्यादा पहुँच हो, मार्केट एक्सेस बढ़ाई जाए इन टर्म्स ऑफ वियतनाम. एंड इवन मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. एंड किस तरह यू नो वियतनाम के अंदर जो रिस्टोरेशन की जा रही है ऑफ चैम मोन्यूमेंट्स, इसे लेकर भी यहाँ पे डिस्कशन की गई. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल द इंडिया एंड वियतनाम रिलेशंस बिकम इम्पॉर्टेंट. एक बार क्विकली ग्लांस करते हैं थ्रू द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम बिकॉज दे हैव ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड ऑन द कम्प्लीशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एंड वियतनाम्स डिप्लोमेटिक टाइज. ना जैसा कि इस न्यूज़ आर्टिकल में भी इंडिया और वियतनाम के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसे हाईलाइट किया गया. दिस हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय बोथ द कंट्रीज इन 2016. एंड इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पिलर रहा है. अगर हम इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस को देखें तो इंडिया ने अपना कौंसिल जर्नल्स ऑफिस हैनोई में इस्टेब्लिश किया था यू नो बाय 1956. हमारा वियतनाम में यू नो कौंसिल जर्नल्स ऑफिस ऑलरेडी इस्टेब्लिश था. एंड वियतनाम के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972.
इंडिया हैज़ यू नो स्टूड बाय वियतनाम इन टर्म्स ऑफ अपोजिंग द यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम. वियतनाम में जब यूएस इंटरवेंशन हुआ देन इंडिया स्टूड बाय वियतनाम इन द सपोर्ट ऑफ वियतनाम. एंड इससे इवन इंडो और इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे उसमें भी थोड़ी सी बिटरनेस आई थी, बट स्टिल इंडिया स्टूड बाय वियतनाम. इंडिया और वियतनाम का जो रिलेशनशिप है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ इन अर्ली 1990s एंड जब इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को इनिशिएट किया. एंड इस पॉलिसी का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है यू नो इकोनॉमिक इंटेग्रेशन एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया. नाउ इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगर हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखें, देर आर ऑलरेडी वाइड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. सबसे पहले तो देर इज एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. इंडिया और वियतनाम इन्होंने एग्री किया है दैट यू नो दे विल स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन लाइन विद इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड आसियान्स आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक. बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके थ्रू यू नो वी आर गोइंग टू अचीव शेयर्ड सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमारा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है. इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें सो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस यू नो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ये भी इंडिया और वियतनाम के बीच में पिछले कुछ सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, स्पेशली आफ्टर आसियान एंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्हेन इट वाज साइंड. इंडिया हैज़ ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो वियतनाम इज़ अ पोटेंशियल रीजनल पावर इन साउथ ईस्ट एशिया. एंड वियतनाम के अंदर काफ़ी अच्छी यू नो इट हैज़ ग्रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इट हैज़ ऑल्सो शोन सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. सो इंडिया इज़ इन यू नो इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट एंड इट इज़ यू नो इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी असिस्टेंस, जिसके अंदर जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए प्रपोजल्स दे रहा है. इवन वियतनाम का जो मेकोंग डेल्टा रीजन है वहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिया ही कर रहा है. वियतनाम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी में इन सभी एरियाज़ के अंदर इंडिया और वियतनाम में इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रहा है. एंड देन अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें 2020 एंड 2021, तो इंडिया और वियतनाम का जो ट्रेड है इट रीच्ड 11.12 billion US dollars. इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है वियतनाम की तरफ दैट वाज 4.99 billion, वेयर एज इंडिया ने जो वियतनाम से इम्पोर्ट किया है दैट इज 6.12 billion. तो ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर यहाँ पे आता है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस कोऑपरेशन. यू नो एज वियतनाम इज़ इंटरेस्टेड इन मॉडर्नाइजिंग द वियतनाम्स आर्म्ड फोर्सेस एंड देयरफॉर इंडिया इज़ इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ देयर साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर्स. जब साउथ ईस्ट एशिया में बाकी कंट्रीज़ की डिफेंस कैपेबिलिटी अच्छी होगी इससे इस पूरे रीजन के अंदर जो पीस है वो मेंटेन रहेगा. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक रीजन एंड देयरफॉर मेंटेनिंग पीस ओवर हियर इज इम्पॉर्टेंट. सो वियतनाम इज इंटरेस्टेड इन इंडियाज आकाश विच इज सर्फेस टू एयर यू नो सिस्टम. इसी के साथ साथ ध्रुव विच इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स एंड इवन ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम इज इंटरेस्टेड इन दिस. सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिफेंस रिलेशंस इंडिया और वियतनाम में हैं इट इंक्लूड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, डीलिंग विद कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल्स एंड कोऑपरेशन इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसे लेकर दोनों ही कंट्रीज ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन को रिअफर्म किया है. इट इज़ द की पिलर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ 2016 में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई है इस साल इसके 5 साल पूरे हो जाएंगे. सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक या फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो रहे हैं और इंडिया और वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के
50 years complete ho rahe hain. Therefore, it becomes important to discuss India-Vietnam relations. इसी के साथ साथ इंडिया की जो नेवल शिप है INS किल्तान, इट बेसिकली अंडरटूक अ विजिट टू हो ची मिन्ह सिटी, जहाँ पे जो फ्लड के दौरान कुछ फ्लड रिलीफ मटेरियल को डिलीवर किया गया. इट वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पेसिक एक्सरसाइज जो कि इंडिया और वियतनाम की जो नेवी है इसके बीच में हुई. ना एक और यहाँ पे फैक्टर आता है विच इज़ चाइना फैक्टर. सो चाइना फैक्टर इट वेज वेरी हेविली व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. दोनों ही कंट्रीज ने चाइना के साथ वॉर लड़े हैं. इंडिया ने भी चाइना के साथ वॉर रहा है और वियतनाम और चाइना का भी वॉर रहा है. एंड बोथ द कंट्रीज दे हैव बॉर्डर प्रॉब्लम्स विद चाइना. एंड एज वी आर सीइंग दैट चाइना इज एग्रेसिवली कंटिन्यूइंग टू इनक्रोच इन द टेरिटरीज, चाहे वो इंडिया की बात हो, ईस्टर्न लद्दाख की बात हो, चाहे वो वियतनाम की बात हो. तो हेंस इट बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर बोथ द कंट्रीज टू कम क्लोजर, व्हेन इट कम्स टू व्यू और टू रिस्ट्रेन द चाइना फ्रॉम देयर एग्रेसिव एक्शंस. इसके अलावा अगर हम बाकी मल्टीपल फ्लोराज देखें तो वहाँ पर कोऑपरेशन की बात अगर करें, लेट्स टेक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. दोनों इंडिया और वियतनाम राइट नाउ दे आर दी नॉन परमानेंट मेम्बर्स एंड इंडिया एंड वियतनाम दे क्लोजली कोऑपरेट इन द रीजनल फोरम्स, चाहे वो ईस्ट एशिया समिट हो, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो, एशिया यूरोप मीटिंग हो. एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे दैट 2019 इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म. दोनों ही कंट्रीज ने अपनी जो वीज़ा रिजीम्स थी इनको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया एंड इससे जो बायलेटरल टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ. एंड 2019 वो सेलिब्रेटेड एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म. द एम्बेसी ऑफ इंडिया इट ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट्स जहाँ पे जिसे कहा गया टू सेलिब्रेट महात्मा एट द रेट 150 इन 2018 एंड 2019. इसमें जयपुर का जो आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए इन द 4 प्रोविंसेस ऑफ वियतनाम एंड बेनिफिटेड 1000 पीपल. एंड दिस एंटायर थिंग केम अंडर इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो नाउ इफ यू सी द वे फॉरवर्ड, तो 2016 में 15 साल में पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वियतनाम जाते हैं. And it basically signals that India is no longer hesitant to expand their presence. वो area जहाँ जो कि China की periphery के साथ लगा हुआ है, India is no longer hesitant to expand their presence. India की जो foreign policy है, it also envisages that India should play an anchor for peace, prosperity and stability in Asia and Africa. And on the same narrative, we are deepening our ties with Vietnam as well. Now, अगर हम इंडिया और वियतनाम की ज्योग्राफिकली बात करें, सो दे लाई एट द हार्ट ऑफ दिस इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट एंड बोथ ऑफ दीज कंट्रीज कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस स्ट्रेटेजिक स्पेस. दिस एंटायर रीजन विच इज़ बिकमिंग अ कोर थिएटर व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन एंड इन्फ्लुएंस अमंगस्ट द मेजर पावर, इन दैट इंडिया एंड वियतनाम कुड प्ले अ मेजर इम्पॉर्टेंट रोल. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया और वियतनाम के कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में है, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस विजन अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इससे इंडिया की जो इंगेजमेंट है वो एक्सपैंड होगी एंड इट इज़ म्यूचुअली पॉजिटिव एंड इससे दोनों ही इस पूरे रीजन की रादर इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर होती है. इंडिया का वियतनाम के साथ जो टाइज हैं वो जब स्ट्रेंथन होंगे तो धीरे धीरे सागर विच इज़ द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल द रीजन इनिशिएटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हेल किया है, इसकी तरफ एक बड़ा लीड स्टेप जाएगा. सो डेफिनेटली इंडिया एंड वियतनाम दे कैन म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, स्पेशली इन द एरिया ऑफ ब्लू इकोनमी एंड ओशन सिक्योरिटी. सो दिस वॉज अबाउट द इंडिया एंड वियतनाम्स रिलेशन. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल EDAR पोर्टल से रिलेटेड है.
सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दे हैव डेवलप्ड दिस EDAR पोर्टल. दिस EDAR पोर्टल इज़ बेसिकली द डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, द डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल. ये जो वेब पोर्टल है इसे डिज़ाइन किया गया है, यू नो दिस हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज, ताकि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके विद जस्ट फ्यू क्लिक्स. एंड इससे बेसिकली क्या होगा, जो एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स होते हैं वो यहाँ से एक्सलरेट होंगे एंड दिस विल कम एज अ रिलीफ टू विक्टिम्स फैमिली. यहाँ पे जो ये डिजिटलाइज डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं ये इस पोर्टल पे अपलोड की जाएंगी एंड दिस विल बी वेरी यू नो इजीली एक्सेसिबल. जो ये वेब पोर्टल है इसे फर्दर इंटेग्रेटेड यू नो रोड एक्सीडेंट डाटाबेस के साथ भी इंटेग्रेट किया जाएगा. ये जो हमारा इंटेग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं इन उनमें मोर देन 90% इस डाटा सेट की जो है उनको डायरेक्टली डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट की तरफ पुश कर दिया जाएगा. इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं लाइक पुलिस, रोड अथॉरिटीज़, हॉस्पिटल्स, उनको बहुत ही मिनिमल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी सो दैट यू नो फॉर दिस ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म्स. सो दिस इज़ एन एक्सटेंशन एंड ई वर्जन ऑफ बेसिकली द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस. सो यहाँ पे जो टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशंस जो की गई हैं इस पोर्टल की वर्किंग को लेकर, तो दैट हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग. एंड इसके अंदर मल्टीपल चेक्स भी किए जाएंगे अगेंस्ट दी फेक क्लेम्स, यू नो बाय कंडक्टिंग स्वीपिंग सर्च ऑफ व्हीकल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट, डेट ऑफ द एक्सीडेंट, FIR. तो इसके बेसिस पे जो फेक क्लेम्स हैं उसको डील करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल चेक्स भी दिए जाएंगे. फर्दर इस पोर्टल को गवर्नमेंट के जो बाकी पोर्टल्स हैं उनसे भी लिंक किया जाएगा. पोर्टल्स लाइक वाहन, वाहन से जब हम लिंक करेंगे तो जो ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स हैं या फिर जो व्हीकल है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उन सब की डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी. सो ताकि जो इवन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो इससे बेनिफिट हो सके, इस पोर्टल के अंदर इवन जियो टैगिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो एग्जैक्ट एक्सीडेंट का स्पॉट है उसे आप जियो टैग कर सके अलॉन्ग विद द मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट. तो इससे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो नोटिफाई हो जाएंगे कि कहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, अबाउट द डिस्टेंस. एंड ये जो पोर्टल है इसे आप किसी और लोकेशन से भी असेस कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सीडेंट की डिटेल्स जैसे कि फ़ोटोज़ या वीडियोस या फिर जो डैमेज्ड व्हीकल्स हैं, इंजर्ड विक्टिम्स हैं, आई विटनेसेस हैं, यू नो दे विल बी अपलोडेड इमिडिएटली ऑन दिस पोर्टल. सो इसे लेकर अपार्ट फ्रॉम स्टेट पुलिस, अगर कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के भी जो इंजीनियर हैं या फिर जो लोकल बॉडी है, दे विल ऑल्सो रिसीव एन अलर्ट ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस. एंड जो भी ऑफिशियल कंसर्न्ड होंगे दे हैव टू विजिट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे जाकर वो एग्जामिन करें और जो बाकी की डिटेल्स हैं उनको फीड करें. इससे इवन एक्सीडेंट्स के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड यू नो ऐसे मेजर्स किए जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस लिए जाएंगे कि उस हॉटस्पॉट पे फर्दर ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो. सो EDAR इज डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस ई पोर्टल को लॉन्च किया है. इससे बेसिकली जो एक्सीडेंट्स के जो कंपनसेशन क्लेम्स हैं वो यहाँ पे स्पीड अप हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है. सो इंडिया और रशिया के बीच में 2018, टू बी मोर प्रोसाइज अक्टूबर 2018 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में 5.43 बिलियन यूएस डॉलर्स की यू नो डील साइन हुई थी, स्पेशली फॉर S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम. एंड इसे लेकर इससे पहले लास्ट दिसंबर में इंडिया को S-400 रेजिमेंट की फर्स्ट डिलीवरी आई है. बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दिस डिले इन द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड रेजिमेंट. हाउएवर फिलहाल इंडिया के अंदर S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम के
स्टिमुलेटर्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स इंडिया के पास पहुंच चुके हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर। ये जो 2018 में जो डील साइन की गई है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, इसको लेकर यूएस के कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे, एंड देयर इज अ थ्रेट ऑफ कैट्सा ओवर हियर एज वेल। कैट्सा इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज एंड थ्रू सैंक्शन एक्ट। यहाँ पे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पहली चीज तो ये है कि जो मोबाइल सिस्टम है ये मोबाइल है, एंड देन दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे रशिया ने डिज़ाइन किया है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस, यू नो, ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन द वर्ल्ड। एंड इसे, यू नो, कहा जाता है कि जो यूएस ने जो थार्ड डेवलप किया है, थार्ड इज़ बेसिकली द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, इट इज़ यू नो मच मोर अहेड ऑफ इट। तो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल यूज़ करके आप हर तरह के एरियल टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स एंड अप टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर्स। हर तरह के एरियल टारगेट को आप S-400 मिसाइल सिस्टम से एंगेज कर सकते हैं। नाउ अगर हम इंडिया की तरफ से इस डील का सिग्निफिकेंस देखें, सो फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना इज ऑल्सो बाइंग दिस सिस्टम। 2015 में चाइना ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया दैट दे विल परचेज 6 बटालियंस ऑफ दिस सिस्टम, एंड चाइना के लिए जो डिलीवरी है वो 2018 में शुरू हो जाती है। तो चाइना अगर S-400 सिस्टम लेता है, इट हैज़ बीन, यू नो, व्यूड एज गेम चेंजर इन दिस रीजन, एंड इससे उनकी जो इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट इंडिया वो लिमिटेड रहती है। तो काउंटर अटैक करने के लिए, स्पेशली ऑन द टू वॉर फ्रंट, इंडिया की एक्विजिशन भी काफ़ी क्रूशियल हो जाती है। इंडिया हैज़, यू नो, हाई एंड F-35 US एयरक्राफ्ट, एंड इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ ऑल्सो डन डील विद रशिया फॉर द S-400 मिसाइल सिस्टम्स। नाउ प्रेजेंटली इंडिया और रशिया के बीच में जो हम रिलेशंस देख रहे हैं, वी आर सीइंग दैट कि इंडिया और रशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ डिफेंस कोऑपरेशन, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पिलर व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड रशियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इजिप्ट और इजिप्ट के वीट इम्पोर्ट से रिलेटेड है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इजिप्ट, इट इज़ वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ वीट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा वीट इजिप्ट में आता है, इजिप्ट रशिया और यूक्रेन से वीट इम्पोर्ट करता है। नाउ क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से देयर इज अ शार्प डिप इन ग्लोबल, यू नो, वीट प्रोडक्शन। नाउ इजिप्ट हैज़ अप्रूव्ड इंडिया एज अ वीट सप्लायर। सो अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, सो रशिया और यूक्रेन दोनों अकेले मिलकर 1/3 ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे ही अब हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। इससे पहले इजिप्ट यहीं से वीट मंगाता था। अगर हम जब वॉर से पहले देखा जाए तो रशिया से इजिप्ट ने अराउंड 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो वीट है वो इम्पोर्ट किया है, एंड यूक्रेन से तकरीबन, यू नो, 611 मिलियन यूएस डॉलर्स यूक्रेन से इम्पोर्ट किया जाता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से सिर्फ 1 मिलियन टन ही इम्पोर्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स। बट नाउ इंडिया हैज़ द इजिप्ट हैज़ अप्रूव्ड इंडिया एज वीट सप्लायर, एंड ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, स्पेशली बिकॉज इंडिया इज़ अ रिलायबल ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर स्टेडी फूड सप्लाई। एंड ऑलरेडी इंडिया के अंदर हमारी जो ग्रीनरीज हैं वो वीट से ओवरफ्लो हैं, एंड वी आर ऑल सेट टू सर्व द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पे इंडिया का जो एम है, दैट इज़ टू एक्सपोर्ट नियरली 10 मिलियन टन्स, यू नो, ऑफ वीट, अगर हम इस फाइनेंशियल 23 की बात करें, स्पेशली टू, यू नो, ब्रिज द सप्लाई गैप्स जो कि इस रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आए हैं।
2021 एंड 2022 में इंडिया ने नियरली 7 मिलियन टन ऑफ वीट ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है, विच इज़ नियरली 3 times. इससे पहले 2020 एंड 2021 में इंडिया ने 2.15 मिलियन टन एक्सपोर्ट किए थे. तो ऑलरेडी जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, इसमें 7 मिलियन टन हम 3 times ऑलरेडी कर चुके हैं. बट नाउ आर एम इज़ टू रीच 10 मिलियन टन ऑफ वीट जिसे एक्सपोर्ट किया जाए. सो इजिप्ट के साथ साथ इसराइल, ओमान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, दे हैव ऑल्सो अप्रोच्ड इंडिया सो दैट दे कैन सिक्योर देयर वीट सप्लाइज, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो फूड सप्लाइज हैं वो डिसरप्ट हो चुकी हैं. नाउ देर इज़ एग्री इम्पोर्ट बैन बाय इंडोनेशिया, इसे भी लिफ्ट अप कर दिया गया है. इंडोनेशिया ने इंडियन एग्री शिपमेंट्स को जो सस्पेंड कर दिया था आफ्टर इंडिया फेल टू कम्प्लाई विद रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल एग्रीमेंट फॉर 26 फूड सर्टिफिकेशन लैब्स फॉर पीनट्स एंड ग्रेप्स. तो वो भी अब लिफ्ट हो चुका है. सो दैट इज़ इट. इस वीडियो में हमने आज के जो इम्पॉर्टेंट करंट्स थे उनको डिस्कस किया, विच इंक्लूडेड श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया एंड वियतनाम्स रिलेशन, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल एंड S-400 एंड इजिप्ट्स वीट इम्पोर्ट. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.